गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो बहुत ही कम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मार्केट हुई है और बहुत ही कम सोल्ड हुई है। बट जब मैंने इस बाइक को देखा तो मुझे इससे लिटरली प्यार हो। इसका नाम है महिंद्रा मोजो XT 300 टूरर एडिशन है ये। इसमें तीन मॉडल्स आते हैं, ABS, स्टैंडर्ड एंड दिस वन इज टूरर एडिशन। मुझे नहीं पता गाइज ये, मतलब लोग जानते हैं इस बाइक को या नहीं जानते, क्योंकि मैंने भी जब इसे वीडियोस में और काफ़ी रील्स वगैरह में देखा था, लेकिन जब मैंने इसे रियल आंखों से देखा तो मैं लिटरली इसका फ़ैन हो गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी की सारी खूबियाँ, स्पेसिफिकेशंस एंड सबसे जो नोटिसेबल चीज़ जिसे इसे देख कर मुझे मतलब प्यार हो गया एंड जो रिएक्शन इसे मिलते हैं वो है इसका ये। तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो एक ऐसी बाइक है जो अभी हम देख रहे हैं, जिसमें डुअल साइड एग्जॉस्ट मिलता है आपको, दो यानी कि दो एग्जॉस्ट यानी कि दो साइलेंसर बोल लीजिए, एंड इसकी जो साउंड है ना वो आपको मैस्मराइज कर देगी। एंड दिस वन इज़ BS4 मॉडल है ये, और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, आपको कुछ कस्टमाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्यारा, इतनी ज़्यादा प्यारी साउंड, इतनी बेसी और इतनी थम्पी साउंड आती है कि आपको मजा। तो इसमें मिलता है हमें 300cc का, यहाँ पे देखें आप, इतना बड़ा सा एक यू सेक्शन का यानी कि 300cc का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 28 PS ऑफ पावर एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस। तो गाइज मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस बाइक का जो सबसे प्यारा पार्ट है, इस बाइक में जो मुझे सबसे प्यारा लगा वो इसका एग्जॉस्ट नोट। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा, इसका चेक करा, इसकी एग्जॉस्ट की क्या बेसी एंड क्या थम्पी साउंड थी। अब ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। अब जो BS6 नॉर्म आने के बाद आवाज़ तो मतलब बाइकों में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और ये भी चेक करें आप, जो इसका एक और अपीलिंग सेक्शन लगा मुझे उस समय पर, इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों चीज़ें फ़ीचर मिल जाती थी। अपने प्राइस पॉइंट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करेगी ये बाइक, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर इसमें जो फ़ीचर्स मिल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो फीचर्स हमें मिल पा रहे हैं किसी, जो इसका रियल लाइफ प्रेजेंस है एंड जब आप इसे अपनी आंखों से, रॉ आंखों से देखेंगे तो बहुत बड़ी एंड यूज बाइक वाला फील देता है ये। क्योंकि मैं भी पहले वीडियोस में देखता था तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था, बट जब मैंने इसको, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी, मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी इतनी कम यूनिट्स क्यों सोल्ड हुई और क्यों ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई। बट आप इधर लाइए कैमरा प्लीज़, ये देख रहे हैं आप इसके जो ये USD फोक्स हैं। तो गाइज ये है 2016 मॉडल, और 2016 में कौन सी कंपनी आपको ऐसे USD फोक्स देख रही थी। और इसकी थिकनेस देखेंगे ना, और अभी मैंने इसे चलाया, अभी मतलब मैं काफ़ी समय से चला रहा हूँ इसे, 10 दिन से जिनकी ये बाइक है अभी उन्होंने परचेज़ की है, तो जो इसे चलाने में मज़ा आ रहा है ना, और जो इसका, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसमें इंजन है वो आपको जावा का इंजन मिलता है, जो जावा में लगा है 300cc का, वही इंजन है, बट दोनों को अलग तरीके से ट्यून किया गया है, उसे अलग तरीके से ट्यून किया गया है, इसे अलग तरीके से ट्यून किया गया है, बाकी वो सब चीज़ें तो अभी हम चला के बताएंगे। तो आप ये आपने देख लिया जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसकी बिल्ड एंड फ्रंट से दिखाइए, क्योंकि ये जो बाइक है ना, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्शन ग्रैब करती है। और ये देखिए इसका लाइट का सेटअप, यहाँ पर आपको दो एक ख़तरनाक तरीके से जो इसका आगे का मॉन्स्टर सा मुँह है वो आपको देखने को मिलेगा। पुराना मॉडल है इसलिए हैलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। एंड अगर फ्रंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें फ्रंट में, एंड पीछे भी एक डिस्क ब्रेक्स आप देख लें। ये देखिए आपको इसका जो 300cc का इंजन है ना, ये लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए मॉन्स्टर सी रेडिएटर ग्रिल है, और ये जो कंपार्टमेंट्स है इन्होंने लगा रखा है, इसकी वजह से जो उसका लुक है ना बहुत ज़्यादा अपीलिंग और एनहांस करता है।
डुअल टोन कलर है इसका, क्योंकि ये टूरर मॉडल है तो ये डुअल टोन कलर है। और मतलब मुझे नहीं पता कि ये बाइक क्यों नहीं बिकी और क्या इसके पीछे रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा इसे मार्केट करने में कहीं ना कहीं लैग कर गया, क्योंकि अगर ये उस समय की बात, मतलब उस समय पे ऐसी शायद बाइक का कल्चर ही नहीं था, या हम ऐसा बोल सकते हैं उस समय पे लोग इतनी बड़ी बाइक लेना पसंद भी नहीं करते थे, या ऐसा कुछ कह सकते हैं, जो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो चलिए, काफ़ी सारी बातें कर ली हमने इस बाइक के बारे में, अब हम इसे लेके चलते हैं राइड पे और मैं आपको इसकी राइड और रिएक्शन दिखाऊंगा कि लोग इसे कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे देख के आपको एक बहुत ही प्यारे रिएक्शन मिलते हैं और एक बड़ी बाइक वाला फील लगता है, लोगों को लगता है कि ये क्या निकल के आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस अब आपको रिएक्शन देंगे, रिएक्शन नोट करें आप। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे एंड थोड़ा सा तेज भगा के भी देखते हैं। तो गाइस अभी अभी हुआ एक बहुत भयानक हादसा। देखो ये वीडियो के चक्कर में हाथ से चश्मा छूटा और ये गिर गया। ये मेरा फेवरेट चश्मा था और इस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं यार, ये बहुत अच्छा था और मैं बहुत प्यार करता था इससे। अभी से यहीं कर देते हैं। तो गाइस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन से नोट पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस बाइक के लिए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बी सेफ।